induce EMF produced in a coil rotating in a magnetic field will maximum when angle between axis of coil and direction of magnetic field is. Induce EMF produce कर रहे हैं coil rotating in a magnetic field will maximum when angle between axis of coil and the direction of magnetic field is. So, जी एक option है 0 degree, एक है 90 degree, एक है 45 degree, एक है 180 degree. तो यह बहुत important past paper के MCQ है. क्या इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन अ कॉइल रोटेट किस में कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में विल मैक्सिमम कब होगा मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इसका करेक्ट आंसर है 90 डिग्री. टू इलेक्ट्रॉन्स मूव पैरेलल टू ईच अदर बड़ी है एमसीक्यूस. टू इलेक्ट्रॉन्स मूव पैरेलल टू ईच अदर विद इक्वल स्पीड स्पीड भी इक्वल है द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेज बिटवीन. तो यार ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है रेशियो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा. दो इलेक्ट्रॉन है पैरेलल है स्पीड भी सेम है तो रखो ये हमेशा होगा वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो एक एक थ्योरेटिकल एमसीक्यूज करा रहा हूँ सारी की सारी पास्ट पेपर्स को कवर करा रही है. ठीक है आपका सेकेंड ईयर से रिलेट हो आप ऑन बोर्ड हो फेडरल बोर्ड हो सिंध बोर्ड हो एम कैट हो ई कैट हो ठीक है जो करा रहा है सब बाहर से कुछ नहीं आता मतलब ये सब करना लास्ट मिनट.